अगर आपने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की पॉलिसी ले रखी है तो ये खास खबर आपके लिए है। वैसे ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर लोग LIC से जुड़े हुए हैं। इसकी बड़ी वजह लोगों का LIC पर भरोसा है, लेकिन अगर आपकी LIC पॉलिसी जल्द मैच्योर होने वाली है तो कंपनी के नए नियम के मुताबिक आप अपने कागजात तैयार कर ले, वरना आपको अपने ही पैसे लेने में परेशानी होगी। दरअसल अब हर LIC उपभोक्ता को अपनी पॉलिसी को बैंक खाते से जोड़ना होगा। अगर किसी ने पॉलिसी मैच्योर होने से पहले उसे बैंक खाते से लिंक नहीं किया तो उनकी पॉलिसी का पूरा पैसा फंस सकता है। अभी तक LIC अपने उपभोक्ता को मैच्योर रकम चेक के जरिए देता था, लेकिन अब सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। यही वजह है कि पॉलिसी को बैंक खाते से लिंक कराने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई उपभोक्ता पॉलिसी मैच्योर हो जाने के बाद भी पॉलिसी को बैंक खाते से लिंक नहीं किया है तो उनका भुगतान रुक सकता है। हालांकि LIC लगातार अपने ग्राहकों को पॉलिसी बैंक खाते से जोड़ने के लिए जागरूक कर रहा है, ताकि उन्हें पॉलिसी मैच्योर हो जाने के बाद कोई दिक्कत न हो। LIC का कहना है कि बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं ने पॉलिसी को बैंक खाते से जोड़ दिया है, लेकिन अभी भी कुछ पॉलिसी के ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिसी को बैंक खाते से लिंक नहीं कराया है। ऐसे लोगों के पैसे रोके जा रहे हैं। वही LIC ने अपने ग्राहकों को SMS भेजकर भी अलर्ट कर रहा है। ग्राहकों को मैसेज के जरिए पॉलिसी को बैंक खाते से जोड़ने की अपील की जा रही है। इसके अलावा LIC अपनी सेवाएं 1 मार्च 2019 से डिजिटल करने जा रहा है, जिसके बाद ग्राहकों को मैसेज के जरिए पॉलिसी से जुड़ी हर जानकारी दी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता को अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल पर 1 मार्च 2019 से हर ग्राहक को SMS के जरिए पॉलिसी प्रीमियम, पॉलिसी मैच्योरिटी, पॉलिसी होल्ड जैसी संबंधित जानकारी दी जाएगी। अगर किसी उपभोक्ता ने समय पर प्रीमियम जमा नहीं कराया तो उन्हें भी मैसेज के जरिए अलर्ट किया जाएगा। पॉलिसी को बैंक खाते से जोड़ना बेहद आसान है। ग्राहकों को अपने कैंसिल चेक या पासबुक से फ्रंट पेज की कॉपी LIC ब्रांच में जमा करानी होगी। कैंसिल चेक के साथ ग्राहक को एक फॉर्म भी भरना होगा, जिसके बाद हफ्ते भर में आपकी पॉलिसी को बैंक खाते से जोड़ दिया जाएगा और फिर आपकी पॉलिसी मैच्योर होने पर LIC सीधे पैसा खाते में ट्रांसफर कर देगा। वहीं ग्राहक LIC की वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा LIC एजेंट के जरिए भी ग्राहक अपना मोबाइल नंबर जुड़वा सकते हैं। यही नहीं, LIC की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी ग्राहक अपना मोबाइल नंबर पॉलिसी के साथ अपडेट करवा सकते हैं, ताकि मैसेज के जरिए आप अपनी पॉलिसी से जुड़ी जानकारियां पा सके। मोबाइल रजिस्ट्रेशन का काम भी 1 मार्च 2019 से पहले करवाना होगा। तो अब आप भी जल्द से जल्द अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को बैंक खाते से जुड़वा लें।